हाई मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बेबी इस दुनिया में आ गया है, बट आप थोड़े से परेशान हो बिकॉज बेबी बहुत ज़्यादा रोता है। डेफिनेटली आपने सुना होगा कि बच्चे रोते हैं, बट जब पेरेंट्स के सामने बच्चे रोते हैं तो पेरेंट्स परेशान हो ही जाते हैं। वो हर तरीके का सोल्यूशन ढूंढते हैं कि कैसे मैं अपने बच्चे को चुप कराऊँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे जनरली रोते क्यों हैं, एंड आई होप आपके जो कंसर्न्स हैं वो यहाँ पे एड्रेस होंगे। हमारे चैनल पे पेरेंटिंग, चाइल्ड केयर, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड बॉन्डिंग से रिलेटेड आपको काफी सारे वीडियोस, काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए momcomindia.info, वे यू कैन रीड अ लॉट अबाउट पेरेंटिंग एंड चाइल्ड केयर, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें जरूर फॉलो कीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मॉमीज एंड डैडी, सबसे पहला रीज़न तो आप सबको पता ही है, वो है भूख। आई थिंक वो एक यूनिवर्सल रीज़न है जो हर कोई आपको आके बताएगा कि बेबी इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको भूख लगी है। ये जो भूख वाली जर्नी है, इसको आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, यू विल गेट देयर। एवरी मदर गोज थ्रू दिस। इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उसके बाद जैसे जैसे आपका बेबी लैच करना सीखता है, जैसे आप उसके फीडिंग क्यूज को समझते हो, आप जो ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन है उसको बेटर समझने लग जाते हो, तो ये प्रोसेस आसान हो जाता है। इसीलिए इनिशियल पीरियड में बच्चे भूख की वजह से ज़्यादा रोते हैं, बिकॉज ए हो सकता है उसने सक किया बट अभी उसका पेट नहीं भरा, बिकॉज इतनी तो जान नहीं होती है उनके अंदर। दूसरा हो सकता है कि वो जब लैच करने की कोशिश कर रहा है नहीं ठीक से हो पा रहा और वो थक रहा है। तीसरा, जो उसने दूध पिया वो इनिशियल दूध था जो ज्यादा वाटरी होता है, जिससे उसका पेट पूरी तरीके से नहीं भरा और बहुत जल्दी उसको भूख लग गई। इसीलिए आपके बच्चे हो सकता है ज्यादा रो रहे हैं इनिशियल पीरियड में, बट विथ टाइम दिस शुड डेफिनेटली गेट बेटर। एंड नॉर्मली क्या होता है कि जब एक बार आपको पूरा फीडिंग प्रोसेस समझ आ जाता है तो बच्चे की फीडिंग की जो इंटरवल्स हैं वो क्लियरली 2 to 3 hours के हो जाते हैं। तो अगर उससे पहले आपके बच्चे रोते हैं तो आपको ये फिर फिगर आउट करना पड़ता है कि अब मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। दूसरा रीज़न है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट होता है जैसे पेट का डिस्कम्फर्ट, गैस हो रही है, कॉलिक की बेबी है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा है, स्टूल पास नहीं करता है टाइम टू टाइम, तो इस वजह से बच्चे को काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है। स्पेशली जो बच्चे फॉर्मूला पे होते हैं उन्हें डिस्कम्फर्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग वालों को थोड़ा कम होता है, बट होता सबको है क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी मच्योर नहीं हुआ होता। आपके फर्स्ट बर्थडे तक जाके डाइजेस्टिव सिस्टम मच्योर होता है, और जो भी आप खाना दूध बच्चे को दे रहे हैं वो उसको पचाना अच्छे से शुरू कर देता है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट बच्चों को होता है, बट इसकी भी रेमेडीज होती हैं। एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है हींग का पेस्ट, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, वो जाके देखिए, मैं उसको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देखिएगा, आपकी बहुत मदद करेगा, दिन में एक बार आप उसे यूज कर सकते हैं। दूसरा इसी में डिस्कम्फर्ट में होता है डायपर डिस्कम्फर्ट। बच्चे का डायपर भर गया, आपने उसको अभी तक चेंज नहीं किया है, बच्चे ने पॉटी कर दी है, आपने चेंज नहीं किया है, अब बच्चा रो के ही आपको बता सकता है कि उसको काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो डायपर को किस तरीके से यूज़ करें ताकि बच्चे को डिस्कम्फर्ट ना हो, इसके भी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वो जाके ज़रूर देखेगा, जिससे आप डिस्कम्फर्ट ही नहीं बच्चे को रैशेज भी अवॉइड कर पाएंगे, तो ये भी आपको बहुत मदद करेगा। तीसरा रीज़न होता है नींद। अब न्यूबॉर्न बेबीज को 16, 18, 20 घंटे तक भी सोने को मिले तो वो काफ़ी खुश रहते हैं। ये उनके डेवलपमेंट, उनके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे का सोना एक्चुअल में उसकी ग्रोथ से लिंक्ड होता है, बट कई बार हम या हमारे आसपास लोग क्या करते हैं, वो आपको शुरू से बोलने लग जाते हैं कि अभी से इसे दिन की आदत डालो, इसको दिन में थोड़ा जगा के रखा करो, इसके साथ दिन में ज़्यादा खेला करो, उसके दिन में उसके आसपास काफ़ी नॉइसेस करो, जिससे कि उसको रात को नींद आएगी। ये सब आपको अभी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम दीजिए। फर्स्ट 3 महीने बच्चे का ट्रांजिशन पीरियड होता है। इस ट्रांजिशन पीरियड के ख़त्म होते होते मैक्सिमम बच्चे प्रॉपर स्लीप विंडो में भी सेटल होना शुरू करते हैं। वो रात को रात समझने लग जाते हैं और दिन को दिन। हाँ, वो रात को भी 2-3 फीड के लिए उठेंगे, और इवेंचुअली आप देखोगे कि वो रात को थोड़ा लंबा सोना शुरू करेंगे और दिन में वो ज़्यादा एक्टिव रहना शुरू करेंगे। बच्चे को जितना हो सके सोने दीजिए, उसके लिए 10-15-20 की भी एक्टिविटी बहुत एक्टिविटी होती है, इसीलिए आपको उसको जगा के ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसीलिए वो रो रहा है क्योंकि उसको सोना है। बट ये भी क्यूज आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएंगे। चौथा होता है क्लोदिंग। हमें बहुत आदत होती है बच्चों को ओवर ड्रेस करने की, बच्चे के साथ पंखा मत चलाओ, एसी बिल्कुल मत चलाओ, कूलर मत चलाओ, बच्चे को ठंड लग जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारा एनवायरमेंट ऐसा नहीं रह गया है जहाँ पे बहुत फ्रेश एयर आ रही है और बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है। नॉर्मली डॉक्टर्स बोलते हैं कि 24 to 26 degrees का जो टेम्परेचर होता है वो बच्चों के लिए एप्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बच्चे को कपड़े पहनाइए, वेदर के हिसाब से कपड़े पहनाइए, बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस मत कीजिए।
ओवर ड्रेसिंग से भी बच्चे को परेशानी होगी, अंडर ड्रेसिंग से जिससे बच्चे को ठंड लगे उससे भी परेशानी होगी। तो मेक श्योर आप सही मटेरियल के कपड़े लें और सही तरीके से लेयरिंग करें जिसको आप एडजस्ट कर सके डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन जिसको बोलते हैं ओवर स्टिमुलेशन, मतलब बच्चे को जितनी स्टिमुलेशन चाहिए उससे ज्यादा आप दे रहे हैं। और बच्चों को ज्यादा स्टिमुलेशन देने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, थोड़ी घर में लाइट ज्यादा हो गई, आवाज ज्यादा हो गई, म्यूजिक ज्यादा तेज प्ले हो गया, या किसी ने आके बच्चे को बहुत ज्यादा रॉक कर दिया, झूला दे दिया, या जब बच्चे का सोने का टाइम है उस टाइम पर जबरदस्ती आप उसके साथ खेले ही जा रहे हैं, तो इस सबको ओवर स्टिमुलेशन की कैटेगरी में ही डाला जाता है। इनिशियली जब बेबीज आते हैं तो उनकी जो अवेक विंडो होती है वो 30-40 मिनट्स मैक्सिमम होती है, जिसमें उन्हें फीड भी करना है, आपको उनका डायपर चेंज भी करना है एंड थोड़ा बहुत उनसे बात वगैरह करके आप वापस उन्हें सुला देते हैं। इससे ज्यादा अगर आप उन्हें जगा रहे हैं तो एक्चुअल में आप उन्हें ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो सो नहीं पा रहे हैं और अब इसलिए वो रो रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली वो आपको ये कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ और मुझे बस सोना है। तो ओवर स्टिमुलेशन का बहुत ध्यान रखिए। मेरा जो फर्स्ट बेबी हुआ था तो हम बहुत ध्यान रखते थे उसके स्केड्यूल्स का, उसको ओवर स्टिमुलेट नहीं करने का, उसकी एक्टिव विंडो का। मैं तो एक पेपर पे लिख के भी रखती थी कि कितने बजे उठा था नेक्स्ट, अब उसे कितने बजे सोना चाहिए या कितनी देर की उसकी एक्टिव विंडो थी, क्योंकि एक्टिव विंडो एज के साथ धीरे धीरे बढ़ेगी, विच इज़ ओके, पर शुरुआत से आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, ये मेजॉरिटी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं। जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वो बोर्डम की वजह से भी रोते हैं, बिकॉज तब उन्हें अटेंशन चाहिए होता है या उन्हें चीज़ें चाहिए होती हैं सीखने के लिए, एंगेज होने के लिए, स्टिमुलेट होने के लिए। तो एज अप्रोप्रिएट बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज़ कराना है वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वो आप जाके देखिए। बट मेनली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन फॉर अ बेबी टू क्राई, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट क्राई एंड एड्रेस इट। बच्चे को सिर्फ ऐसे ही रोने मत दीजिए, ये पुरानी बातें मत मानिए कि बच्चों को थोड़ा सा रोना देना चाहिए, उनके लंग्स खुलते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता है, बच्चा रो रहा है, अपनी नीड कम्युनिकेट कर रहा है, पेरेंट का काम है उस नीड को समझना और रिस्पॉन्ड करना, और आप देखेंगे कि इवेंचुअली आपको उनकी क्राई से पता चल जाएगा कि बच्चा अभी रो क्यों रहा है। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज वहां पे आपको हमारे स्टोर फ्रंट का भी लिंक मिलेगा जहां पे हम वो सब प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं जो हम अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं। तो यू कैन गो एंड टेक अ लुक। थैंक यू, बाय बाय।